मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 1 एंड कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. लेट रिवाइज दीज टॉपिक्स. इन दिस चैप्टर वी हैव डन इंट्रोडक्शन, देन नेक्स्ट टॉपिक वॉज इक्वल राइट टू वोट. उसके बाद हमने किया था अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, देन रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी एंड देन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर इक्वालिटी की क्या सिचुएशन है. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, जो कि है आपका इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी. अभी तक हमने किस में पढ़ा था, अभी तक हमने हमारे इंडिया का देखा था. अब और कंट्रीज के अंदर इक्वालिटी की क्या सिचुएशन है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ टुडे, इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी कि जो और जो देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वहाँ पर इक्वालिटी का क्या इशू है, यानी कि वहाँ पर भी हमारे कंट्री की तरह से सबको इक्वल राइट्स हैं, सबको समान समझा जाता है, या फिर वहाँ पर भी अनइक्वालिटी है. सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. क्या आप इस चीज़ को सोच के आश्चर्य करेंगे कि सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पर इनइक्वालिटी होती है. इस चीज़ के लिए और भी कंट्रीज में स्ट्रगल होता है, ठीक है. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. लेकिन बाकी में जो सच्चाई है वो क्या है, जो हमारे आसपास जितनी भी democratic countries हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इस equality का issue चलता ही रहता है, और जिसके लिए किसी ना किसी समुदाय को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना ही पड़ता है. So for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves and who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें USA का, अमेरिका का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो वहाँ के जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन्स कैसे, जिनके ancestors, जिनके पूर्वज क्या थे, इन अफ्रीकन्स थे, और जो कि क्या रहे, जिन्होंने इन अमेरिका के जो लोग थे उन एज अ स्लेव उनके यहाँ काम किया, दास की तरह से, एक सर्वेंट की तरह से काम किया इन अमेरिकन्स के लिए, ठीक है. तो इस वजह से इनको, अफ्रीकन्स को क्या समझा जाता है, अनइक्वल, असमान समझा जाता है, इनको इक्वल नहीं समझा जाता, नीचे निगाहों से देखा जाता है. तो ये अमेरिकन्स इन्हें क्या समझते हैं, अपना स्लेव ही समझ के चलते हैं. This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans. So, इस वजह से भी एक movement start हुआ, एक आंदोलन start हुआ था 1950 में, किसके लिए, ये जो African Americans थे इन लोगों का, Americans के खिलाफ, वहाँ के जो native people थे उनके लिए. क्यों था, बिकॉज प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ. बिकॉज 1950s से पहले, ये मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, जो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे, इनको, इनके लिए कोई भी कानून नहीं था समानता का, और इन्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें देखो बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू, वैन ट्रैवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर वाइट पर्सन विश टू सिट. सो क्यों होता था, क्योंकि ऐसे एक एग्जाम्पल से बताया गया, उस टाइम पे कैसे भेदभाव करते थे, अगर कोई पर्सन बस में ट्रैवल कर रहा है जो अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि जो नेटिव उसका, जो जो अमेरिकन अफ्रीका का रहने वाला है, वो अगर बस में ट्रैवल कर रहा है तो या तो उससे बैक सीट पर बैठना पड़ेगा, और अगर उस बस के अंदर कोई सीट नहीं है तो, और अगर उस बस के अंदर कोई वाइट पर्सन आ रहा है, यानी कि कोई अमेरिकन आ रहा है, अमेरिका का वाइट पर्सन आ रहा है, तो उसे क्या करनी पड़ेगी, उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी. ओके,
सो मेन तो क्या था, एक तो स्लेव वाला रीजन था, दूसरा अगर हम बात करें तो डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे किया जाता था अमेरिका में, कलर बेसिस पर, रंग भेद, अमेरिकन अफ्रीकन, क्योंकि जो अमेरिकन हैं वो फेयर कलर होता है और अफ्रीकन क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं. सो रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1st December 1955. तो रोजा पार्क थी ये लेडी थी, इन्हीं की वजह से आप एक तरीके से ये समझ लीजिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बनी, कारण बनी, क्योंकि ये अपनी जॉब से थककर ये क्या आ रही थी, बस में बैठ के आ रही थी. अब क्या हुआ, इन्होंने मने कर दिया एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से, और ये कब की बात थी, 1 December 1955 की. और इस रिफ्यूज़ल के बाद ही बहुत बड़ा विद्रोह स्टार्ट हो गया था अफ्रीकन अमेरिकन्स का वहाँ के लोगों के खिलाफ. ओके, और इसी के बाद एक एक्ट आया. सबसे पहले इस मूवमेंट को क्या बोला गया, इस मूवमेंट को बोला गया सिविल राइट्स मूवमेंट. जब अफ्रीकन अमेरिकन्स ने ये मूवमेंट जब किया तो इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया, सिविल राइट्स मूवमेंट. और फिर इसके बाद सिविल राइट एक्ट बना 1964 में, जिसमें क्या बताया गया इस एक्ट के अंदर, मतलब एक तरीके से कानून था ये, जिसमें बोला गया कि किसी भी पर्सन को उसकी रेस, उसकी जाति, उसके रिलीजन या फिर वो नेशनल ओरिजिन, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके मूल जो लिविंग प्लेस है उसके बेसिस पर उसके साथ क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा. और ये भी कहा गया, इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन. यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन है उनके लिए कोई सेपरेट स्कूल नहीं होगा, उनके लिए कोई सेपरेट स्कूल नहीं होगा, वो भी अमेरिकन जो बच्चे हैं उनके साथ में पढ़ सकते हैं, चाहे वो रिच हो या पुअर हो. क्योंकि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ये क्या थे, इनकी जो कंट्री थी वो पुअरेस्ट कंट्री थी, और ज़्यादातर बच्चे जो अच्छी फैसिलिटीज़, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और पुअर क्वालिफाइड टीचर्स से उन्हें पढ़ना पड़ता था एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट स्कूल में जाते थे और रहते थे. अब वेयर द गवर्नमेंट आर एज हाईली रेटेड. अब आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ के प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेटर माने जाते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की फैसिलिटीज़, हर चीज़ पर गवर्नमेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देती है. अब देखिए ये इमेज दे रखी है आपको पिक्चर, ये ही है वो लेडी रोजा पार्क जिन्होंने क्या करा था, जो इस मूवमेंट के लिए जिम्मेदार थी. ओके, और सिविल राइट एक्ट इन्हीं की वजह से आया था, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं. सोनिया होमवर्क, आपने अब तक जितना पढ़ा है उसे आप पूरा रीड करेंगे और रिवाइज करेंगे, और आपका जो भी क्वेश्चन आंसर्स, जितना भी अभी आपको होमवर्क दिया है वो आपको कंप्लीट करके सेंड करना है. ओके.